हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं खड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। डार्विन से आया हूँ मैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कैनबरा से कोई फ़्लाइट डायरेक्ट डार्विन नहीं जाती, तो मुझे पहले डार्विन से एडलेट आना पड़ा। फिर एडलेट की रिस्ट्रिक्शन थी, वहाँ कोविड आया हुआ था। फिर एडलेट से कैनबरा आया हूँ, अब कैनबरा से वापस एडलेट जाना है, उसकी दोबारा रिस्ट्रिक्शन है, और फिर एडलेट से दोबारा डार्विन जाना है। तो ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वजह से नहीं कि मुझे बनानी चाहिए थी, इस वजह से क्योंकि मैं खुश हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिली हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया हूँ, जैन भाई थे और दिलबर भाई, इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक फ़ील होता है ना कि यार, एक आप अपने कॉन्सुलेट, अपने आप जनरल कॉन्सुलेट में जाते हो, आप एम्बेसी में जाते हो, आप अपने लोगों से मिलते हो, तो उसके अंदर आई फील प्राउड। तो मैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जैन भाई या दिलबर भाई, तो थैंक यू सो मच। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार, बहुत सारे लोग, हम लोग फंसे हुए हैं अपनी बहुत सारी जगहों पे, हम लोगों के काम फंसे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप इमेजिन करो कि मैं कितनी मजबूरी में था और मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा कि मैं अपनी जॉब छोड़ के, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पर आया। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ पर जो लोग थे, किसी को पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, किसी को वीज़े का मसला है, किसी का कोई मसला है, तो मैं सोच सकता हूँ और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कौन कहाँ से आ रहा होगा, कितनी कितनी मुश्किलात लेके आ रहा होगा। तो ये अगर सिर्फ उनका जैसे होता है ना कि रवैया अच्छा होता है, तो आपका पूरी जर्नी अच्छी हो जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हालांकि मैं पिछले 3 दिन से ट्रैवलिंग में था, लेकिन जब वो मिलके बात करते हैं और मुझे पहचान गए थे वो मेरी वीडियो से भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप 2 मिनट हंस के बात कर लोगे ना किसी से भी, डजेंट मैटर कि आप एम्बेसी में हो या आप कहीं पर भी हो, ज़िंदगी में आप किसी से भी 2 मिनट हंस के अगर बात कर लोगे ना, तो सामने वाले का दिन अच्छा हो जाएगा, सामने वाला प्राउड फील करेगा कि मैं किसी अच्छे बंदे से मिला हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि गाइस, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात हो रही हैं, ठीक है आप मुश्किल में हो, लेकिन आप दूसरे से अच्छे से मिलो, और आपका बिहेवियर जो होता है ना, आपका बिहेवियर काफ़ी चीज़ें बोल देता है। तो आई एम हैप्पी। या मुझे 3 दिन और लगेंगे वापस डार्विन जाने में, और डार्विन में भी मुझे फिर क्वारंटीन करना है, मेरा ख्याल है 6-7 days और प्रॉब्ली फॉर 14 days, गॉड नोज। बस यही बोलूँगा। और प्राइम मिनिस्टर, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्बेसीज की, मैं गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप फील कर सकते हो कि जब आपके टॉप लीडर अच्छे होते हैं ना, तो वो आपके नीचे ग्रास रूट लेवल तक उनकी, उसकी इन्फ्लुएंस आता है। तो अच्छा लगा मुझे। अभी मैं कैनबरा में थोड़ी सी और विजिटिंग प्लेसेस पर जाऊँगा, और जो जो लोग फंसे हुए हैं, मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई देखो, रिस्क लो ज़रूर। मैं जब आ रहा था ना, मुझे मेरे 2 दोस्तों को जब पता लगा ना, 2-3 दोस्त थे, मैंने उनको बताया कि मैं एडलेट जा रहा हूँ, उनको वो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला, भाई एडलेट में तो कोविड लगा हुआ है, तुम जा ही नहीं सकते, एडलेट ने तो बॉर्डर ही बंद कर दिए हैं। गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और वो इतने डिटर्मिंड थे कि वो बोल रहे थे कि तुम जाओगे तो वापस ही नहीं आ सकते। मैं एडलेट भी फ्लाई करके आ गया, वहाँ एक दिन रुका, मैं कैनबरा में भी हूँ, मैं यहाँ से वापस एडलेट भी जा रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएँ, टाइट हो जाएँ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कितनी गलत इन्फॉर्मेशन होती है, लोग उसको स्प्रेड करते हैं, और जिनको पता भी नहीं होता वो आगे से बनते हैं कि भाई ये चीज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि गाइस, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको पास करने से पहले उसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च कर लो। मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड में नज़र आए कि मैं डार्विन से फ्लाई करके आया हूँ, और मैंने सारी रिस्ट्रिक्शंस, आप अगर रूल्स से चलोगे ना, मैं जब भी आया, जहाँ पे भी गया वहाँ पर मैंने टेस्ट कराया, जहाँ पर भी गया मैं वहाँ पर मैंने उसका एंट्री फॉर्म भरा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं लाइक थ्रू हुआ विद इन ऑस्ट्रेलिया। मैं अभी परमानेंट रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं विद इन ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि दूसरे स्टेट जाते हुए लोग डर रहे हैं। मैं 3 स्टेट्स क्रॉस करके आ चुका हूँ। बस सिर्फ यही बोलूँगा, आई होप जो लोग यहाँ पर आए उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहे, और जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो आई होप उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और इसी बात पे छोटी सी वीडियो है, बस यहीं ख़त्म करूँगा और आपको व्यू दिखाऊँगा कि अगर आपने कभी पाकिस्तानी एम्बेसी कैनबरा में नहीं देखी तो वो ऐसे दिखती है। और भाई की ऑडी ज़रा चेक कर ले, दिसंबर है तो मौसम भी अच्छा हो रहा है यहाँ पर।
तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मैं आपको, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं जब मैं आया था यहाँ पर रहने के लिए 6-7 महीने के लिए, तो इतनी सर्दी होती थी कि सीरियसली मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कैनबरा, क्योंकि हर वक्त इतनी सर्दी। लेकिन आई थिंक नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट डार्विन। इट्स ब्यूटिफुल एज कम्पेयर टू नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कैनबरा। डार्विन में तो भाई सीन ही कुछ और है, डार्विन में तो बस गर्मी 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 है। तो फिलहाल बस ये वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, और मेरी दुआएं उन सालों लोगों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान से या इंडिया से, कहीं पर भी आप कहीं पे भी फंसे हुए हो, तो यार देखो डरो नहीं। अगर आपको एम्बेसी का कोई काम है, आपको स्टेट मूव करना है या आपको कहीं आगे जाना है, तो जस्ट गो फॉर इट। लोग बहुत सारे तुम्हें वो डराएंगे जिनके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, वो लोग आपको आके बताएंगे कि वहाँ मत जाओ ये प्रॉब्लम है, वहाँ मत जाओ ये प्रॉब्लम है। मैं इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के बहुत सारी एम्बेसीज़ के कामों से फंसे हुए हैं, वो नहीं कर पा रहे, उनको ये लग रहा है कि हम जाएंगे तो हमें कोविड लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे लोगों को मास्क पहनते हुए नहीं देखा, मैं तो मास्क पहना हुआ था क्योंकि मुझे पता है मुझे वापस डार्विन जाना है। तो अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, चाहे पाकिस्तान एम्बेसी हो चाहे इंडिया एम्बेसी हो, गो फॉर इट गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि मैं इस काम के लिए, जो ये मेरे फैमिली का एक काम था, मैं फंसा हुआ था काफ़ी महीनों से, मैं घर वालों को मना कर रहा था या मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने एक दफ़ा ठान ली कि मैंने करना है तो फिर मैंने करना है। तो दैट्स इट। अम्मा अब्बा, अब्बा तो ज़ाहिर उनसे अभी मैंने पट्टा किया है फ़ोन पर, तो बूढ़े हो जाते हैं ना तो सुनते नहीं हैं। पहुँच गया हूँ, कर लिया है काम, जब आपको पेपर मिलेगा तो खुश हो जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआ में रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।